नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 12 के नतीजे आ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट में 18% गिरावट रही। छतरपुर के विकास द्विवेदी 500 में से 491 अंक लाकर ओवरऑल टॉपर रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 55.28% नियमित विद्यार्थी सफल रहे, जो पिछले साल के 72.72% के मुकाबले 17.47% कम है। लड़के लड़कियों के पास प्रतिशत की बात करें तो 52% छात्र, 58% लड़कियां सफल रही हैं। छतरपुर के विकास द्विवेदी ने 500 में से 491 अंक आकर टॉप किया है। अपने जीव विज्ञान समूह में भी टॉप पर रहे। इसी तरह शाजापुर के ऋतिक पटेल और छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। एग्जाम पोर्टल का बटन क्लिक करके माननीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 9,46,335 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से नियमित विद्यार्थियों की संख्या 8,15,364 थी। 1,30,971 प्राइवेट विद्यार्थी रहे, जिसमें से नियमित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 63.29% रहा है। और इसी प्रकार से छात्रों में उसका जो प्रतिशत है वो 60.26 एवं नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 66.47 रहा है। एक प्रकार से छात्राओं ने इसमें बाजी मारी है। इसी प्रकार से हमारा जो 12th का परिणाम रहा है उसमें भी कुल 8,42,611 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी जिसमें से 7,27,044 थे और 1,15,567 ये स्वाध्यायी छात्र थे जो परीक्षा में बैठे थे। नियमित परीक्षार्थी जो थे उनका प्रतिशत 55.28 और स्वाध्यायी छात्रों का 18.15% रहा है। इसमें भी जो छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 52% एवं छात्राओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 58.75 रहा है। यानी हायर सेकेंडरी में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। आज का परिणाम 10वीं का जब परिणाम की हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से गए साल से अच्छा परिणाम रहा है, लेकिन जब 12th की जब हम चर्चा करेंगे तो 12th का परिणाम पिछले साल से कम रहा है। उसके पीछे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो एनालिसिस किया है उसके मान से जो कोरोना काल था और जिसमें 2 साल की परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, 1 साल कुछ अधूरी परीक्षाएं हुई और 1 साल पूर्ण रूप से हमने जनरल प्रमोशन दिया था। ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, दूसरे स्थान पर कुमारी सोनाक्षी परमार, सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर उत्कृष्ट सुभाष का है दूसरे नंबर पर, भोपाल दूसरे नंबर पर, दूसरी बेटी है कुमारी समीका वर्मा, ये भी उत्कृष्ट सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। समीका वर्मा। फिर ये दूसरे नंबर पर 2 बेटियां रही है। तीसरे नंबर पर कुमारी आर्या झिरा, नरसिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई नगर नरसिंहपुर। ऐसे ये 4
हमारे प्रथम और दो दूसरे स्थान पर दो, तीसरे पर एक, ये चार बेटे बेटियां इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। थर्ड नंबर एक पर अच्छा, ये कला का अच्छा, ये जो है ये कला समूह में से है, वुमेन टेक्स ग्रुप में, इनका इसमें चार है। चौथे नंबर वाली कुमारी आर्य झीरा, देखिए ट्वेल्थ का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट के ग्रुप के हिसाब से है ना, तो कला समूह में मैंने जो फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड और थर्ड ये चार नाम बोले हैं ये कला समूह से है। तीसरे नंबर का पूछ रहे हैं कुमारी जो सेकंड उसमें आए हैं समीका वर्मा, और जो तीसरे नंबर पर आई है आर्या झीरा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है प्रथम पर एक है श्री अनुज कुमार ठाकुर शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवार खेड़ा होशंगाबाद, दूसरे नंबर पे कुमारी श्रद्धा विनोद कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दथारा मुरैना, तीसरे नंबर पर है श्री सत्यम साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीर सिंहपुर सतना। ऐसे इसमें ये तीन हमारे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान उन्होंने आए हैं। इसी प्रकार से ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह, इसमें कुमारी कंचन शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से प्रथम आई है, कुमारी योगिता पाटीदार उमिया बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर खरगोन दूसरे स्थान पर आई है, कुमारी साधना राजपूत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवगांव छतरपुर तीसरे स्थान पर आई है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान समूह में एक बच्चा लास्ट, श्री विकास जी हमारे छात्र प्रथम स्थान पर, इन्होंने प्रथम स्थान पाया है वाणिज्य समूह में। दूसरे स्थान पर कुमारी सानवी सिंह राठौड़ उमा दत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा, तीसरे स्थान पर तीन है श्री आयुषी जैन मुन्नालाल अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड, श्री आकाश पांडे शासकीय बहुविद्यालय श्री नारायण शर्मा ये सेठ गुरु प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर गौरव मौर्य ये शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर कला श्योपुर ये दूसरे स्थान पर है। एक और भैया दूसरे स्थान पर है श्री रितिन लोधी ये शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुगावली अशोकनगर से है। फिर तीसरे स्थान पर कुमारी प्राची पटेल चेतन वीपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साईखेड़ा नरसिंहपुर ये विज्ञान गणित समूह में इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चार बेटे बेटियों का नंबर है। वाणिज्य समूह इसमें प्रथम पर पांच है, नंबर एक प्रिंसी खेमा सारा श्री राजेंद्र विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर खाचरोद, श्री अनि जैन बेंस पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा, श्री यशवर्धन सिंह मरावी शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, कुमारी अनिमिका ओझा सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, पांचवें नंबर पर कुमारी दिव्यांशी जैन ज्ञान जो वही छात्र इस वर्ष ट्वेल्थ में आए हैं और इस कारण से ट्वेल्थ का जो परिणाम है जो हमारी समीक्षा में पाया गया है इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है, लेकिन दसवीं का परिणाम में
प्रगति हुई है और मैं आज जो बच्चे सभी शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण हुए सफल हुए उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे किसी कारण से अंकों की दौड़ में पीछे रह गए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको हताश होने की निराश होने की जरूरत नहीं है। हम एक अवसर और रुक जाना नहीं योजना के तहत दे रहे हैं, थोड़ा प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता हाथ लगेगी और सब विद्यार्थियों के साथ आप भी बराबरी के साथ आ जाएंगे। एक परीक्षा एक वर्ष के लिए होती है, वो जीवन की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी भाई बहन को निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता की सीढ़ियां चूमने के लिए हमको परिणाम से आगे संकल्प लेकर के बढ़ना होता है और इसलिए जो सफलता प्राप्ति की उनको बधाई शुभकामनाएं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन किसी कारण से कम अंक के कारण से असफलता हाथ लग रही है, वो फिर से मेहनत करे, परिश्रम करे और रुक जाना नहीं योजना में शामिल होकर के अपने रिजल्ट को अच्छा बनाकर रख सकते हैं और उसके लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, हम सब नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में जो एकेडमिक वातावरण बन रहा है उसके अनुसार हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम आने वाले समय में हमारे सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षक बंधु भगिनी और विद्यार्थी मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं, बधाई। टेंथ क्लास में जो टॉपर है टेंथ में श्री मृदुल पाल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर इंदौर, ये प्रथम पे रहे हैं। बाकी सूची तो चली जाएगी। अच्छा, सेकंड में दूसरे स्थान पर जो है कुमारी प्राची गढ़वाल, ये भी उसी विद्यालय नेहरू नगर इंदौर की है, नंदा नगर वाले फ्लावर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। फिर तीसरे नंबर पे कुमारी कीर्ति प्रभा मिश्र, ये गुरुकुल पब्लिक हाई स्कूल सीधी की है, इसे पहला दूसरा दो दूसरे स्थान पर दो है, तीन है दूसरे स्थान पर। कुमारी स्नेहा लोधी बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर, और तीसरे स्थान पे अनुभव गुप्ता सेंट जेवियर स्कूल मानपुर उमरिया, तीसरे स्थान पर श्री अभिषेक परमार संस्कार पब्लिक स्कूल अकोदिया, फिर तीसरे स्थान पर एक और है कुमारी उन्नति अग्रवाल जी स्वर्गीय पंडित श्री जी एल व्यास क्रिएटिव कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़, फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी आस्था सिंह राजपूत बड़ा मलहरा छतरपुर, फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी राधा साहू ये डबरा संत कंवर राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, तीसरे स्थान पर सुदीक्षा कटारे ये है किड्स कॉर्नर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लश्कर ग्वालियर, एक और छात्रा है तीसरे स्थान पर कुमारी प्रिया ठाकरे ये है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा बालाघाट, ये पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर ऐसे हमारे 11 छात्र छात्राएं आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।